नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गुरुग्राम के अरावली में अवैध निर्माण को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। अरावली में अवैध फार्म हाउस को प्रशासन की तरफ से जमींदोज कर दिया गया। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। अरावली की पहाड़ियों पर अवैध तरीके से माइनिंग कर बनाए जा रहे फार्म हाउस का मामला इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन ने इस मामले पर सख्ताई दिखाई है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद आज सोहना के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अरावली की इन पहाड़ियों पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पर JCB बुलाकर के, बुलडोजर बुलाकर के इन फार्म हाउसों पर तोड़फोड़ की जा रही है। वो फार्म हाउस जो कि यहाँ अवैध तरीके से बनाए गए थे, आज उनके ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी 16 तारीख को अगर बात करें तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये खबर दिखाई गई थी तमाम कि किस तरीके से बड़ी संख्या में सोहना के अंदर यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन से इस मामले पर जवाब भी मांगा गया कि क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े स्तर पर यहाँ पर पेड़ों को भी काटा गया था, पेड़ों को काट करके यहाँ पर अवैध तरीके से जो है फार्म हाउस बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची और आप देखेंगे कि किस तरीके से JCB लगा करके यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अवैध तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस बनाए गए थे उनके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। 16 तारीख को जब इंडिया न्यूज़ पर दिखाया गया, प्रशासन से भी जवाब मांगा गया था, तो आखिरकार सरकार ने ये कहा था कि इन्हें नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस काफ़ी समय से दिए जा रहे थे, आखिरकार कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और आखिरकार अब प्रशासन की टीम यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुँची हुई है। हम बात भी करेंगे हमारे साथ नगर परिषद के जो सोना के अधिकारी भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो आज जो कार्रवाई की जा रही है कितने फार्म हाउस हैं, क्योंकि 36 से 40 ऐसे फार्म हाउस हैं जिनको नोटिस दिया गया। तकरीबन 40 फार्म हाउसों को डिमोलिशन का ऑर्डर पास किए गए थे, उसमें से पिछली जो ड्राइव करी थी उसमें हमने करीब 18 फार्म हाउस को डिमोलिश किया था और आज भी तकरीबन इतने ही फार्म हाउस का आज का प्लान है। करीब 15, 16, 17, 18 अभी तक हम 9वां फार्म हाउस है, शायद 9वां 10वां फार्म हाउस है तोड़ चुके हैं सवेरे से, तो कोशिश है शाम तक इतने ही और तोड़ दें। तो आज कौन कौन से ऐसे ब्लॉक रहेंगे जहाँ टारगेट पर, क्योंकि हम बात करें जो कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक तो जैसे अभी चल रहा है ए ब्लॉक में पहले भी हमने 8 तोड़े हैं, अभी ए ब्लॉक में एक और है अभी हमारे पास, वो भी हमें तोड़ना है, नोटिस में है। उसके अलावा बी ब्लॉक में है 5 और सी में है 4, टोटल इस तरह से करीब है 17 के आसपास है आज के। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे बड़े संख्या में देखे जो फार्म हाउस अभी बन रहे हैं, बाउंड्री हो रही है, खासकर जो माइनिंग वाला पत्थर है बाउंड्री के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, पत्थर या फिर और भी अन्य जो सामग्री है वो कैसे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आपके द्वारा तो बकायदा 2 गेटों पर कोई सामग्री ना, इसके लिए आदेश भी दिए गए थे गार्ड्स के। ये जो है ना माइनिंग के जैसे आप बता रहे हो स्टोन वगैरह का बता रहे हो, वो माइनिंग डिपार्टमेंट की उसमें है, उसमें ड्यूटी है, वो अपना देख रहे हैं, उन्हीं की देख रेख में है, कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी MC की तरफ से भी हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं गेट पे, मेन एंट्री एग्जिट पे, तो हमारी तरफ से जितना भी हो रहा है हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे मतलब ड्यूटी आवर्स में तो कोई यहाँ से एंट्री हो नहीं रही है अब, बाकी तो तोड़ ही रहे हैं, आपके सामने देख ही रहा है आपको, जो कार्रवाई हमारी बनती है कर ही रही है नगर परिषद। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एक बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है, बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे तकरीबन 40 के करीब ऐसे फार्म हाउस हैं जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस बनाए गए। अरावली की पहाड़ियों पर किस तरीके से पेड़ों को काट करके ये फार्म हाउस बनाए जा रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर की माइनिंग करके उनको यहाँ पर बनाया जा रहा था, ये हमने आपको पहले भी आपको दिखाया था 16 तारीख को कि किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस बनाया जा रहा है। और आखिरकार आज यहाँ पर टीम पहुँची है, आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से JCB तैयार है, इनको पहले नोटिस भी दिए गए डिमोलिशन के और उसके बाद आज टीम इन फार्म हाउसों को तोड़ने के लिए यहाँ पर पहुँची। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इन फार्म हाउसों पर कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं ना कहीं रईस जादो की आराम गह जो है इसे कहा जाता है, जहाँ इन लोगों के रहने के लिए आराम करने के लिए ये लोग यहाँ पर आते थे। तो अवैध तरीके से यहाँ पर अगर बात करें फार्म हाउस बना करके पहाड़ों को पत्थरों को पर माइनिंग करके यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से फार्म हाउस बना रहे जा रहे थे, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची। तो ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर का बड़ा असर कि जिस तरीके से अवैध तरीके से जो फार्म हाउस बनाए गए तो उसकी खबर दिखाए जाने के बाद जो है प्रशासन जागा और इन फार्म हाउसों पर अवैध तरीके जो बन रहे थे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। पहाड़ियों पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके साइबर सिटी गुरुग्राम में जीवित व्यक्ति का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए आरोपियों ने
मशहूर डॉक्टर और मानव रचना यूनिवर्सिटी के मालिक प्रशांत भल्ला का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाया। इसके लिए आरोपियों ने शमशान घाट की पर्ची भी तैयार करवाई और इतना ही नहीं, पैसे ट्रांसफर करवाने के लिए आरोपियों ने डॉक्टर भल्ला की बीवी के नाम से पालम विहार में HDFC बैंक में अकाउंट भी खुलवाया। अकाउंट खोलने और डेथ सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद आरोपियों ने डॉक्टर प्रशांत भल्ला के नाम से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर के घर पहुंचने से सारा मामला खुल गया। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशांत भल्ला की बीवी ने सेक्टर 29 थाने में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में गंभीरता से जाँच शुरू कर दी है। इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे एक फ्रॉड की शिकायत हमें मिली है सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है, जिसमें किसी के झूठा डेथ सर्टिफिकेट बना के और उसकी लंबी चौड़ी जो इंश्योरेंस की अमाउंट थी उसको किसी फर्जी आदमी द्वारा ग्रैब करने की तैयारी थी। तो उसके केस रजिस्टर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और जो इन्वेस्टिगेशन में आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स जैसी जैसी चीज़ें सामने आएंगी वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। गुरुग्राम के पटौदी के वेयरहाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे सारा सामान खाक हो गया। गनीमत यह रही कि किसी को शारीरिक क्षति नहीं हुई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और करीब 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। खबरें लगातार जारी हैं, यहां पर छोटे से ब्रेक के रुकते हैं।